से फूट पड़ी तू? सिद्धू जी, ये क्या हो रहा है? देखा आपने, मोदी जी के बराबरी का काम अगर किसी ने किया है तो मैंने किया है। क्या? उन्होंने नोटबंदी की, मैंने आलिया बंदी। तेरा क्या होगा आलिया? नानी प्लीज मुझे जाने दो, बदले में आपको जो चाहिए ले लो प्लीज। अब बताओ तू क्या चाहिए आपको? महेश भट्ट दिलाएगी? आप मार डालो मुझे, साफ साफ बताओ ना क्या चाहिए। अरे मेरी बच्ची, तेरे लिए एक जबरन लड़का ढूंढा है मैंने। लड़का? हाँ। और मेरे जो 5-6 मैंने घर पे रखे उनका क्या? उनको तू मेरे हवाले कर दे, मैं संभाल लूंगी। और जिसको मैंने सेलेक्ट किया ना उसको हाँ कर दे, वरना मुझे दो दो हाथ करने पड़ेंगे। मैं नहीं करूंगी, लगाओ हाथ। अच्छा? हाँ। मेरी बच्ची, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी पगड़ी तेरे पैरों पर रखती हूँ। ये पगड़ी है? ये तो हेलमेट है। अपनी पगड़ी की सलवार कमीज बना दी ना मैंने। मेरी बच्ची हाँ कर दे। अरे मेरी माय डियर, जिंदगी का सवाल है, हाँ कर दे। अच्छा पर नानी, लड़का है कौन, क्या करता है, कैसे दिखता है? Is he handsome? Is he stunning? Is he intelligent? देखेगी? दिखाओ तो। लड़का? ए छोरा, ये दूल्हा मैंने पहली बार देखा जो गधे पे चढ़ के आया है। अनबिलीवेबल। और अपने ही बारात में अपने ही पैसे लूट रहा है। वही तो। अरे अपनी शादी में पैसे कौन लूटता है? मैं लूटता है भाई, और कौन लूटता है? ए, किसी के पास है और बचा हुआ पैसा तो भागो फिर यहाँ से। हेलो। नमस्ते ससुर जी। अरे आप एक मिनट, इधर किधर जा रहे हैं? मैं गधे के पीछे घूम के देख रही हूँ लड़का कहाँ है। क्या साहब, इनको बताइए, यही लड़का है। कौन? ये ससुर जी हैं, ये लड़का है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या था कि बचपन में ना सारे मेरे को कहते थे, देखो ये जा रहा गधे का बच्चा, ये जा रहा, तो ये गधा, मैं बच्चा। मैं इनसे कभी शादी नहीं करूंगी। Have you gone mad, नानी? कभी भी नहीं शादी करोगी? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बारे में कुछ बताया नहीं तुमने? बताती हूँ, बताने वाली थी। तुझे पता है बच्ची, ये पीता नहीं है। हाँ, उल्टा तुझे इसे देखने के लिए दो छोटे छोटे लगाने पड़ेंगे। इतना शरीफ है ये सिद्धू साहब कि आधी रात को ट्वीट भी नहीं करता। जब पैसे ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेगा? मैं ऑलरेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ससुर जी से शादी? बद्रीनाथ को भूल जा, बंदर से शादी कर ले। Let me handle my case. Yeah, yeah, please. Hello, myself, Dr. Mishra Gulati, MBBS. MBBS? Mahesh Bhatt banenge sasur. Oh my God, Nani, he's so stupid. I can't believe, stupid man. इतने प्यार से मुझे stupid कह रही है. I'm your stupid, yeah. प्यार से नहीं कह रही हूँ, गुस्से से कह रही हूँ. You're stupid. अगर तुम नहीं माने तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा, याद रखना। गुलाटी, गुलाटी, गुस्सा उठा नीचे से। अब जब आलिया मानेगी, हाँ, तभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बल्द छोटे लाल गुलाटी मानेगा। आलिया, आलिया गुस्सा छूटे। गुलाटी, गुलाटी, और गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर वो गिर गया तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। उठाओ, उठाओ, मान गई। शादी होने वाली है, मैं जरा तैयार होके आ जाऊ प्लीज। हाँ हाँ, मेरी बच्ची, जा तैयार हो जा, पकड़े रहना। कहाँ जाऊंगी? आपको तैयार होने की जरूरत है नहीं, वैसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ जल्दी। नहीं, मैं आई इंसिस्ट, मैं तैयार होके आती हूँ। दुल्हनों के अपने अपने शौक होते हैं, कैसे कोई रोक सकता है ना। बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो। हुजूरे आला, हुजूरे आला, इनाम पेश किया जाए आज। हाँ। हुजूरे आला बहुत खुश हैं। इनाम में तुम्हें ये हार देते हैं। ये तो स्टेटोस्कोप है। मैं हार ही यूज करता हूँ ना। कभी स्टेटोस्कोप तो यूज किया ही नहीं इसको। इसमें चार पांच गाने भी हैं, इसको लगा के सुनो। मुबारक हो, पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई जाए, मुबारक दवाई बंटवाई जाए, पैरासिटामोल बंटवाई जाए। बधाई हो, महाराज को बुखार हो, पीलिया हो, लूज मोशन हो। अच्छा कौन बधाई देता है? मैं देती हूँ, और तू? मैंने तो बहुत मूली की रोटी खा के आई हूँ मैं। मूली की रोटी खा के कौन रोमांस करता है भाई? मैंने खाया है। हेलो, बोलो। वो तुम्हारे ससुर जी हैं, आओ आशीर्वाद ले। ओए ओए ओए, चल चल गुरु। मैं क्या तेरी कोना। शगुन डाल दो ससुर जी। गुलाटी सर, बिठा रहे गुलाटी साहब, आप ना बड़े वो हो। पहुंच कर अब इससे एक भैंसी खरीद लेना, दूध की जरूरत पड़े तो। थैंक यू सिद्ध साहब, मैंने पहली बार 2000 का नोट देखा। वाओ, यू आर लकी। तुम ना मेरे गुल्लू, बड़ी गुल्लू गुल्लू हो। क्यों दाल में कुछ काला नजर आ रहा? आओ। दाल के आज तो मैं तुझे पूरा काला करूंगा। आज आज आज। तुमको किसी ने गलत बता दिया स्वागराज के। तुम्हें गलत आइडिया है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सुनो अबे काय का स्वागराज, जूते का हार लेके आओ। जूतों का हार आ गया। क्यों, हार की क्या जरूरत है? इधर आ जाओ। पैरों में जूता चुराई की रस्म होती है स्वागत में। जैसे तुम आए थे ना भैया, वैसे ही तुमको वापस भेज देंगे हम। आओ। सुनो। गधे पे लगाया था, लोग सटिया गए, ये तुम पे लगाना चाहिए था। बैठो, वो भी उल्टा। अरे मेरी बात पहले। आओ, इतना लेट काहे आए हो तुम? ये पहनो, ये दो धक्का मारो इसको और तुम ये पहन लो भैया। अरे पाजी, डॉक्टर की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए, देख लो। ओ, कोई फर्क नहीं पैंदा, लव का सीजन और रोमांस का रीजन आ गया, हसीनाओं का चैन चुराने वरुण धवन आ गया। हर कोई चाहता है जिस लड़के से शादी करना, ले जाने अपनी दुल्हनिया, ये दूल्हा नंबर 1 आ गया।
And what about me, Mrs. Cherry? You are having a good time. Come, Malia. आइए बैठते हैं, बातें करते हैं हमेशा की तरह. चलिए. आप सबको याद ही होगा इतनी हिट फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण और आलिया की पहली फिल्म थी वो. उसमें सिद्धार्थ जो हैं वो आलिया को लेकर चले जाते हैं. तो ये उसका बदला लेने के लिए तुमने दो बार दुल्हन बनाया आलिया को. करेक्ट. पहले हम्पी शर्मा की, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया. जानबूझ के बदला लेने के लिए किया था. इनफैक्ट हम्पी शर्मा में जो दूसरा एक्टर था हमारे फिल्म में, उसका भी नाम सिद्धार्थ था. जानबूझ के रखा था मैंने. अच्छा. उसका असली नाम सिद्धार्थ है. तुमने बचपन में रखा था? मैंने बहुत पहले, स्टूडेंट ऑफ द खत्म हुई तब से मैंने चुना था उसको. अच्छा, इससे पहले हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया. इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई आलिया, अब तो तुम मतलब कपिल शर्मा की भी दुल्हनिया बन सकते. आई मीन, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है आलिया. अच्छा, प्रोड्यूसिंग ए मूवी. तो एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी इसके बारे में, क्योंकि हम इतनी बार यहाँ इस शो पे आए थे और आप काफी चेंज हो गए हो पहले से. यू नो, फर्स्ट टाइम हम जब आए थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे, तब मैं फैट ऑफ द ईयर था. हाँ, अभी आप फिट ऑफ द ईयर हो. मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ एक्चुअली. ये दोनों इतने छोटे छोटे हैं और इतनी मेहनत करते हैं. छोटे छोटे हैं, मतलब तुम छोटी सी हो. आलिया बहुत छोटी है. छोटे छोटे सिर्फ 19 साल की हैं. नहीं नहीं सर, इतने की 24 साल की हो गई. मुझे कंफर्म करना था, मुझे आइडिया था कि 22 के 23, अभी तुम 24 साल की हैं और बहुत मेहनती हैं. एम को वरुण, दोनों इतने मेहनती हैं. आई मीन इसीलिए शायद ये यहाँ पे हैं आज, वरुण दो और आलिया भट्ट. और कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. इस फिल्म में ना वरुण ढीठ बन के आलिया के पीछे पड़ा हुआ है. मतलब कपिल शर्मा ही है. वैसे आलिया ये फिल्म में तो आप पे बड़ी लाइन मार रहे हैं. हाँ. ये ऑफ स्क्रीन भी आते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड आती है मिलने. एक्चुअली मुझे पता करना है, कुछ सेट पे आती थी लड़की मिलने इनसे कभी कोई? की नहीं, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी वरुण? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है. देखो गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, बट दुल्हनिया तो है मेरे पास, वो मेरे सामने बैठी है. वेरी नाइस स्मार्ट आंसर. फिल्म प्रमोट करो, फालतू की बातें क्यों करते हो? आलिया इस फिल्म में बड़ी मुंहफट लड़की का किरदार निभा रही है. आलिया रियल लाइफ में भी आप ऐसी हो? बिल्कुल मुंहफट. आलिया भट्ट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब शूट हो रही थी तो आलिया ने वरुण के मुंह पे स्क्रैच कर दिया था. हाँ? इस फिल्म में भी हमने सुना कि हाथ पे स्क्रैच कर दिया. व्हाट रबिश. आपको क्या लगता है? ऑलवेज स्क्रैच. मी वाज रॉन्ग विद यू. हाथ पे कब स्क्रैच किया इस फिल्म में? कब? ड्यूरिंग बद्री की दुल्हनिया सॉन्ग शूट. अरे वो कॉस्ट्यूम की वजह से हुआ था. तुम्हें क्या लगता है वो रिचार्ज कूपन है उसको स्क्रैच करा तो पैसे निकलेंगे? क्यों हमेशा ये बहुत अग्रेसिव हो जाती है जब भी ये खाना कम खाती है जब शूट कर. वन मिनट. हां उड़े उड़े. जब फिल्म का शूट हो रहा है तो ऑब्वियसली सबको ब्यूटीफुल लगना है, अच्छा लगना है, तो वो थोड़ा डाइटिंग होता है. तो आलिया थोड़ी मूड में नहीं थी मस्ती के लिए, मजाक के लिए, तो वो हमेशा ऐसी रहती थी. तो डांस के वक्त अगर हम लोग साथ में खड़े भी रहे कभी. हाँ. ऐसे सपोज आई एम आलिया से, ए खुद है, हाँ खुद है, हाँ. तो मेरे को हटा ही देती थी फ्रेम से. तुम एक्सक्यूज मी, आप लोगों को लगता है कि मैं इस इंसान को. हाँ. इस इंसान को ये कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल. नहीं कर सकती है. कर सकती है सर. ये जो ऐसे ये ट्रू मेरा देखा है, ये फूल दिखती है, ये फूल दिखती है पर है नहीं. She's honest. काटा हो? काटा का पता नहीं, चाटा तो बहुत. अच्छा एक आप सवाल पूछती ना वरुण से कि उसका कंपाउंड क्या होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है और क्या क्या होता है? ये पिक्चर बहुत एजुकेशनल है. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि इस फिल्म में तुम साहूकारी का काम देखते हो ना? हाँ, देखते हैं हम. तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100. और कंपाउंड इंटरेस्ट? वो थोड़ा कठिन है, एक दो हफ्ते में सीख के बताते हैं तुमको. मतलब क्या होता है वैसे? मैंने भी कोशिश की थी बचपन में, मेरे को नहीं पता चला. क्या यही कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ. मैथ्स में वीक थे आप? वीक नहीं, फेल. अच्छा. मतलब मेरी प्रॉब्लम थी, आज भी है. मैं भी बहुत वीक था मैथ्स में, हमेशा. इंग्लिश में मेरे 84 थे आउट ऑफ 100. मैंने रट्टा मारा था, मैं सीरियसली बोलता हूँ. मेरे को आती तो अभी भी नहीं है, बट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश. हैव यू हर्ड अबाउट द जैकी चैन केम टू माय शो? या यस, वी सॉ, वी सॉ. यस, ही स्पोक इन इंग्लिश टू यू? उनका तो मेरे से भी हार्ट टाइट लग रहा है.
आपको क्या लगता है प्यार के मामले में मैथमेटिक काम आता है? मुझे तो लगता है आदमी का गणित ही खराब हो जाता है, सारा दिमाग खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है, सब कैलकुलेशन। जब आपको लगता है कि मॉरलिस्टिकली या दुनिया में चलो हमको ऐसे करना चाहिए, बट वो जब किसी से प्यार हो जाए या कोई वो लड़की दिख जाए जिससे आप प्यार कर रहे हो, तो तेल लगाने गया सब कुछ, चलो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी वरुण? हाँ हुआ है। तुम क्यों बोल रही हो? मुझे पता है हुआ है। हुआ है, हुआ है। हुआ है। बता दो किसको देख के हुआ था। मतलब ऐसा होता है ना, मतलब चीक्स पिंक हो रहे तेरे। आपको हुआ है? हर साल मेरे को होता है, हर साल। हाँ, मुझे हर 6 महीने हो जाता है। मैं गैप नहीं आने देता, हर हफ्ते। मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर हूँ। पहली बार कब हुआ था आपको प्यार? बचपन में मेरी टीचर थी, कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर? हाँ। ये हमेशा टीचर के साथ कैसे होता है प्यार? अरे वो नई नई आई थी तो बड़ी ब्यूटीफुल थी, क्योंकि नए नए कंप्यूटर। क्या था उसका नाम? नहीं, नाम नहीं लेना, वो अभी शादीशुदा होंगी। अरे बट सर, वो अभी बहुत बुढ़ी। मैं क्यों बताऊं, राधा श्यामला थी। कंप्यूटर नए नए आए थे तो मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो ना ठंडे कमरे होते थे तो क्लास में तो एसी ऑन होता था, तो बुरा। तो नए नए कंप्यूटर सीखने थे, मैंने लिख दिया जो भी उनका नाम था, मैंने लिख दिया आई लव यू। अच्छा, बाद में डिलीट ना करना है मेरे को। तो फिर वो आई, उन्होंने डिलीट किया, पर उसके पहले थप्पड़ मारा। पर मेरा दिल सच्चा था आलिया, मैंने दिल से प्यार किया। अगर कर लेती वो तो अच्छी रहती ना, अभी किसी टीचर से शादी की होगी। ओह माय गॉड। अच्छा आलिया, मैं आपको लव इंटरेस्ट कंपाउंड वगैरह ये सब नहीं पूछूंगा, सिंपल सी बात पूछूंगा। 13 का पहाड़ आता है आपको? 13 का क्या? 13 13 का टेबल। टेबल? हाँ, 13 26 उसमें 13-13 जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ते जाएं? 130 तक स्टॉप कर दो। बड़ा अच्छा किया, बताया, हमें पता नहीं था। बहुत थैंक यू सो मच। वरुण और आलिया जो है फिल्म में मैथमेटिक्स की बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो आपको ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखना है। यू विल नॉट फेस ईच अदर, ओके? ओके, फटाफट लेके आओ। और आंसर का जवाब देना या सिर्फ लिखना है? बोर्ड पे लिखना है आपको, जवाब नहीं देना है। हाँ तो क्लियर है ये तो। एक्स्ट्रा लाइन बोलने की क्या जरूरत है? बच्ची है ना, चंचल है थोड़ी। सर कुछ पीने के लिए मिल सकता है क्या? मतलब कुछ चाय कॉफी जो आप बोलो, बहुत बजट है हमारा। शराब बियर आलिया पीती है? मैंने पीती। पानी नहीं चाहिए यार, चाय दे दे। इतना झुक के पूछ रहे हो, उसकी आवाज वैसे नहीं आती। कॉफी। आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू गो नियर आलिया लाइक दिस। नहीं, नॉर्मल। आई एम नॉट गोइंग। व्हाई यू आर गोइंग? यू लेस इंग्लिश। तो वरुण तो सीरियस हो गया बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं ये क्या स्माइली वाली? बड़ा स्माइली। आलिया के बाद मशरूम क्यों बनाया तुमने? ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। दोनों उस तरफ मुंह करो, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। नहीं, मैंने फिल्म में देखा ही ना, अभी क्यों देख रहे? नहीं, नहीं। ओके, अगर एक साड़ी को सूखने में 1 घंटा लगता है, 25 साड़ियों को सूखने में कितना टाइम जाएगा? 1 घंटा। एक घंटा वाना कौन है उसपे? हाँ लिख दिया वाना। इधर नहीं देखना ना, मैंने लिख दिया, पहले लिख दिया। इधर घूम जाओ। I'll throw this pen on you. मैंने बहुत while you were writing it, I wrote it. You written 1 घंटा, I've written वाना। और वो भी घंटा कैसे हिंदी में? अगर हिंदी शब्द का उपयोग कर रहे हो तो हिंदी में लिखो ना। घंटा क्या होता है? मेरे को लगा बेल है। एक्चुअली वर्ड तो यही, मतलब तो यही है। हाँ मत, हाँ घंटा मतलब बेल, कुछ भी मतलब निकालते रहे। I also won. No, Alia, you're not. Okay. I also won. No, you're not won. दोनों ही मैथ में इतने रूल तोड़ा। कहाँ गया था लिखने को? Why do you start talking? मैं बच्चा है ना, चंचल है। हाँ मैं बच्चा हूँ, मैं चंचल हूँ। दोनों का मैथ बड़ा खराब। दोनों चंचल है। 25 घंटे लगेंगे बाबा। नहीं कैसे, बट साथ में सुखाओगे तो? आपने मुझसे पूछा साथ में सुखने की अलग अलग? आपकी मर्जी नहीं, आपने क्लियर किया। बी अलर्ट ऑलवेज ऑल द टाइम। ओके कपिल, ये मेरी मर्जी है, मेरी साड़ियां मैं जितना चाहूं साथ में। किसने कहा? सवाल में था कि आपकी साड़ियां सूख रही हैं। हो सकता हमारे शो में लड़के भी पहनते हैं, क्या पता उनकी सूख रही है। ये बात वो बाई से पूछने पड़ेगी ना, जो बाई या धोबी सुखा रही है उनको पूछना पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
उल्की शिकली प्रगति जाली, चलो अपने अपने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ो। अगर दो दर्जन केले की कीमत 80 रुपए है क्या, तो बताइए क्या, स्लोली स्लोली टू डजन बनानास इज द कॉस्ट ऑफ बनानास, टू डजन बनानास इज 80 रुपीज, तो 60 रुपए में कितने केले आएंगे? पक्का सिद्धू भाई आप बताओ? 14 केले। ऑडियंस 18 क्यों? 18 क्योंकि एक से दो दर्जन केले की 18 आफ्टर द ऑडियंस दैट डजंट मैटर दे वांटेड टू हेल्प मी 12 मैंने 18 बोला, मेरा आंसर 18 था, इनका 10। आलिया ने कितना लिखा था? इन्होंने 10 लिखा था। पता नहीं क्या कर रही हो तुम, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैंने 14 कहा था। अच्छा 14, मैंने 18 बोला। बट ये बोले या कौन कि आंसर सही है या गलत? किसने 18 कहा है बताइए? मैंने 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 कहा। तुम्हें कैसे पता? तुम केले के ठेले लगाती हो, तुम्हें कैसे पता? ओके कपिल आई गेट दिस पॉइंट, मेरे को मिलता ही है। ओके ओके ऑडियंस हु इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन? जवाब दिया, वरुण ने कॉपी किया। कॉपी नहीं किया, मैं बच्चों की सुनता हूं क्योंकि मैं भी बच्चा हूं। सो के बेबी आई एम विद यू, मेरे लिए ये विनर है। और बताओ क्या कर लोगे तुम, शो मेरे नाम से है। ओके आई एम बायस्ड। 10 मजदूर किसी क्या क्या लिख रही हूँ यार। अभी मैं आगे वाली बात बोल रहा हूँ, खेत खेत भी बना लो। 10 मजदूर किसी खेत को 40 दिन में साफ करते हैं, तो बताइए 20 मजदूर उस खेत को कितने दिन में साफ करेंगे? 20 ओके कौन जीता? पहले किसने लिखा? ऐसे करने से नहीं जीतोगे तो। हाँ एक्चुअली जब खेत साफ ही हो गया तो यू बोथ आर रॉन्ग। अरे ये क्वेश्चन कैसा है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दूसरे खेत के बारे में बात कर रहे हैं। किसने? मैंने बोला दूसरा खेत। हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं दूसरे खेत को। क्यों करना, इतनी जमीन कहाँ है देश में? ओके जमीन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? मेरा ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया। आलिया व्हाट आर यू डूइंग बेबी, यू स्पॉइलिंग योर स्किन। डोंट नो, इट्स अ न्यू टी-शर्ट। एक्चुअली हम तो अगले एपिसोड में पहननी पड़ सकती है। ये मैं गद्दी से साफ कर लो। ये मेरा डॉग है ना जो लैब, उसने मुंह में डाला था। ओके मान लो आप ड्राइवर हैं, बस चला रहे हैं। बस में 40 पैसेंजर हैं। एक स्टॉप पे 8 पैसेंजर्स उतर जाते हैं, फिर 12 चढ़ जाते हैं। 12 पैसेंजर और चढ़ जाते हैं। लिखो ना, भी हिसाब किताब गलती हो जाएगी। लिखो लिखो 40। हाँ पहले बस बनाओ बनाओ वरुण, आप भी। मैं समझ गया। बस चला रहे हैं, बस में 40 पैसेंजर हैं। एक स्टॉप पे 8 उतर जाते हैं, फिर 12 चढ़ जाते हैं, 44। चढ़ने दो, 12 लोग हैं, टाइम लगेगा। अगले पे 5 फिर उतर जाते हैं। कितने उतर जाते हैं? 5 फिर उतर जाते हैं। 39। तो बताओ ड्राइवर की उम्र क्या है? Oh, I'm sorry. Okay. आप दोनों ही विनर हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत स्टूपिड थे और आप लोगों ने भी मूर्खता बड़ी अच्छे तरीके से निभाई। वरुण और आलिया के लिए जोरदार तालियां और ब्लैक बोर्ड हटा लिए जाए। क्या है अभी? कॉफी है। मुझे तो 3-3 घंटे बाद मिलाते हो तो इधर तो। मैडम के लिए। ओह हाउ स्वीट। पता है मुझे मैडम के लिए। सर ले ले ले। थैंक यू। थैंक यू। इतना खुश क्यों हो रहे हो? कॉफी पिलाई क्या हुआ? इधर आओ, क्या हुआ? डर के गए? बैठो इधर, बैठो आलिया के साथ। अरे बैठो सीरियसली। आइए आइए। ऊपर ऊपर ऊपर। नहीं नहीं यहाँ बैठिए। आपको पानी चाहिए? नहीं। आप ही ने दिया है पानी? हाँ नहीं चलेगा। अरे झूठा करके तो नहीं दिया जो पी नहीं रहे अपना पानी? नहीं नहीं पी रहे मैडम के लिए। हैं मैडम के लिए।
माइक मैडम के लिए बोल रहा है। अरे कुछ सर के लिए भी तो होगा। नहीं मिल ले। आज आप आलिया की फिल्में तो देखते ही होंगे। जी सर देखता हूँ। हरी आज आज तुम लाल हो जाओगे। हरी आज तुम देखो फ्लश कर रहा है। मैं ऐसे मतलब ऐसे जब आलिया की फिल्में देखते थे कभी ऐसा सोचा था आलिया के बिल्कुल ऐसे बगल में खींच के बिठाएगी तुम्हें? क्या फीलिंग आ रही है? ऐसा सोचा नहीं था लेकिन मैडम के साथ काम किया है मैंने। काम किया है? कौन सी फिल्म में? जी हैं वही बद्रीनाथ की दुल्हनिया। अच्छा बद्रीनाथ में आप काम किए हो? हां सर। आलिया पता ही है तुम्हें कौन से शेड्यूल में काम किया तुम्हारे साथ? नहीं हम नहीं मिले थे आपसे। कौन से शेड्यूल में? वो स्पॉट वाइज बताना इसके लिए। बट नहीं ऐसे आप बताओ। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। कौन से शेड्यूल में? विष्णु को भी विष्णु को जानते हो? विष्णु दादा को? जी जी। अच्छा तो ये है बद्रीनाथ की दुल्हनिया की टीम। भैया बता दो कि पिक्चर हिट होगी या सुपर हिट होगी या क्या लगता है क्या होगा? सर मुझे लगता ये है ये बेजान दारू वाले का बेटा है इसको क्या पता? नहीं पता। मैं पता बता रहा हूं। बट काम किया है ना तो काम किया है। हां काम तो किया। आपकी फिल्म बनती देखी है? जैसे मैंने अपनी फिल्म बनती देखी मुझे पता है सुपर डुपर हिट है। वैसे आपको क्या लगता है? और मैं आपको बता दूं ये फिल्म हमारी कम इनकी ज्यादा है। हां कैसे? लास्ट में इनके साथ चली जाती हो आप? अच्छा दादा मैं एक बात बताता हूँ। ह्यूमन नेचर जो है अगर मैं भी काम कर रहा होता फिल्म में आपकी जगह तो मैं आलिया के बारे में जरूर फैंटेसी जरूर होती कि हाय काश ये मेरी हीरोइन होती या मेरी बीवी होती। सच्ची सच्ची बताना जब जब आलिया को मिलता। आप शादीशुदा हैं? हाँ सर। फिर भी इंसान तो इंसान ही होता है। क्या क्या आलिया को देख के दिमाग में क्या आता था आपके? आपके दिल में आता ही होगा ना खूबसूरत लड़की बहुत ब्यूटीफुल है जी। अली घबराओ मत जो कहना कह दो। I feel ये जबरदस्ती ऐसे मान रहे हैं खूबसूरत है ये बेचारे की बीवी है। मानता हूँ मैडम। अच्छा मान तो। Very sweet. So sweet, thank you. बहुत अच्छा। तो आपको आलिया को कुछ कहना है क्योंकि मैं वरुण के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लड़के हो ठीक है तुम उसको प्यार करते हो। ऐसा नहीं होता है करते हैं कभी कभी लोग। क्या? लड़के लड़के से प्यार आज के दुनिया में होता है। मैं नहीं। हाँ इट्स फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। क्या बोलना चाहते हो आलिया को दिल से? आज तुम समझ लो दो सेकंड के लिए। दो सेकंड में तो नहीं हो पाएगा उसमें तुम ऐसे ही करोगे। You have one minute. अच्छा मैं जिसको आपको इंग्लिश आती है? नहीं जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके साथ मैं बड़ी बोलता हूँ। सो यू हैव वन मिनट। यू कैन से व्हाटएवर यू फील लाइक। जो तुम्हारा दिल करता है आलिया को बोलने में समझो एक सेकंड के लिए तुम वरुण धवन हो या उसके पति हो। आप हरी हो। नीले हो जाओ आज। जो बोलना क्या बोलना चाहते हो अली? हरी अली ऊपर वाले के नाम है सारे। अच्छा चल बोलना हरी। बोल 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 बोल। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ना मेरा चेहरा दिखता रहेगा। ये प्लेट क्यों नीचे रखती है? हक करने लगे तुम? हाँ बोलो बोलो जो तुम्हारा दिल करता। आज फिर हम भी देखेंगे हमारी टीम में कौन कौन से लोग काम करते हैं किस तरीके के। बैठो बैठ के बोलो। बैठो बैठो हरी बैठो। आई लव यू मैन। शादीशुदा होके ये हरकतें करते हो तुम? थैंक यू मन में था बोल दिया। माइक में बताओ क्या था? मन में था बोल दिया। तो पूरी फिल्म में क्यों नहीं बोला? देख लो आलिया अपने आसपास लोगों का ध्यान रखा करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। क्या नहीं तो क्या नहीं तो क्या मतलब बीवी है तुम्हारी ऑलरेडी? हाउ ओल्ड यू आर? उम्र क्या है आपकी? उनको सर दिल उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी बताइए भाई और बहनों। उम्र क्या है आपकी? 28। आलिया को प्यार करते हो? अपनी बीवी को? उनको भी करते हो? उनको भी करते हो। बच्चे कितने हैं आपके? अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं। तो फटाफट जाग करो चलो। थैंक यू हरी। ओके मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जब जब मैं शो पे आता हूँ और मैं इधर बैठता हूँ ना मेरी फिल्म चलती है। सोचो तुम कभी कभी आते हो कभी कभी बैठते हो। मैं रोज ही बैठता हूँ मेरी फिल्म कितनी ज़्यादा। सो मैं आप दोनों को ये देता हूँ। इट्स लाइक ए गन बट इट्स ए उंगली। किसी को उंगली उठाना भी बंदूक दिखाने से कम नहीं होता। तो आपको उंगली उठा देनी ठीक है। दोनों तरफ रेड भी हैं ब्लू भी हैं। विच कलर यू वॉन्ट? ब्लू। रेड ब्लू फिर मेरे को। तो इसको घुमा के पकड़ लो ठीक है। वरुण को ब्लू मेरे को रेड। ओके डायरेक्टर के साथ कौन ज्यादा बटरिंग करता है? सो ऑल द डायरेक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड
इफ वरुण इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू और सेइंग समथिंग गुड अबाउट यू, समझ लो कि वो बटरिंग कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, वो मैं एक डायरेक्टर का बेटा हूँ, तो मैं डायरेक्टर के इमोशंस को जानता हूँ. जब उनको दुख होता है, जब वो खुश होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर का बेटा हूँ. So, मैं भी डायरेक्टर की बेटी हूँ. मैंने ना नहीं कहा. किसको डायलॉग याद नहीं होते? ओके, वेरी ऑनेस्ट आंसर. बट कभी कभी तेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है? कभी कभी हंसते ही रहो बस. हैप्पी सोल है, एंजॉय कर रही है, खुशी दो तालियां आलिया के लिए. कभी कभी वरुण रैंडमली कुछ अलग ही भाषा में बात करने लगता है. अगर डायलॉग है, माँ आप छुपी रहिए, प्लीज माँ आप छुपी रहियो. रहियो कौन अपने पापा के नाम पे दादागिरी करता है? Tell me right now. हाँ? You, मतलब मुझे दो तीन बार बोला है. मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ. मैं मतलब never. नहीं नहीं, मतलब पैसों के मामले में नहीं, ऐसे like shouting at me. I'll speak my mind. नहीं, पर इसमें दादागिरी कहाँ से हुई? महेश भट्ट की बेटी तो महेश क्या कहेंगे, मैं राजू की बेटी हूँ. मतलब दादागिरी की बात नहीं है इस तरीके से. ये मुफ्फट है ना, इसीलिए. नहीं, मुफ्फट की बात नहीं है, मेरी ओपिनियंस है बहुत ज्यादा. तो अगर मुझे कुछ लगता है, मैं बोल देती हूँ, सोच देती हूँ. तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आलिया डोंट से एवरीथिंग, लोग मिसजज कर देंगे, और पब्लिक फिगर कभी कभी वापस आ जाता है ना. तो मैंने कहा कि मैं अपनी, आई एम माय फादर्स डॉटर, मुझे बोलना ही पड़ेगा. अच्छी बात है, वो बोलते हैं ना, और मैं भी बोलूं. ये तो गलत है वरुण, आपने गलत बोल दिया. क्या गलत? पापा के नाम का दादागिरी करती है. हाँ, बट बोलते मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं तो बोलूंगी. तो कॉमेडी करते समय ये भी कहता कि मैं डेविड डन का बेटा हूँ. मैं कभी नहीं कहता. हाँ, जितेंद्र कुमार का बेटा हूँ, जितेंद्र शर्मा, तो मैं बोलूंगा. मैं तो कभी नहीं कहूंगा रोशन लाल का बेटा हूँ. तो वो इसमें कोई एरोगेंस नहीं है. नहीं, एरोगेंस नहीं है. वैसे एरोगेंस तो एरोगेंट बिल्कुल नहीं है ये लड़की, बहुत ग्राउंडेड है. टेक्निकल है. बहुत, तुम भी बहुत ग्राउंडेड हो. हाँ, थैंक यू. बहुत अच्छी बात है. वरुण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया जो है वाइफ से ज्यादा बहू रानी का रोल अच्छे से करेंगी. तो क्या आप इनकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे या अपने पापा को कोई हिंट दे रहे थे? नहीं, मैं किसी के पापा को हिंट नहीं दे रहा था. मेरा खाली ये मतलब था, जब मैं आलिया को देखता हूँ विद ओल्डर जनरेशन, जैसे कि अपने खुद की ग्रैंड मॉम के साथ है या किसी आंटीज को मिलती है, तो बहुत प्यार से मिलती है, उनको समझती है. और मैं जब मेरे उम्र के लोगों को देखता हूँ, लड़कियों के, नो व्यूज कभी कभी क्लैश हो जाते हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लेडीज विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग ये जनरेशन से, सो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. बट आलिया फिर भी समझती है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. शर्मा, आप ही, मैं क्यों शर्माऊंगी? मैं तो आज भी अंदर केला खा रही थी. हाय, बड़ी डाकू गब्बर, किसी तरह केले टांगे तूने? नहीं, मैं आज भी केला खा रही थी. मैं उसके लिए छिप इसलिए रही थी, क्योंकि क्या है, मैंने लोगों से सुना है कि अगर भूखे के सामने कुछ खाओ ना तो नजर लग जाती है. मैं भूखा हूँ? हाँ, लग रहे हैं. मुझे एक मिलेगा? हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स. आपको नहीं तो, वैसे प्रणाम प्राणनाथ. प्राणनाथ नहीं, बद्रीनाथ है उनका नाम. हाँ, बद्रीनाथ मेरा नाम है. नहीं नहीं, उसका आगे बंसल भी है, वो भी मुझे पता है, लेकिन क्या है कि इनका नाम मैं ले नहीं सकती ना. क्यों? क्यों, इनका नाम कोई बुढ़ापा पेंशन है जो बूढ़े होने के बाद ले सकती हो? ओ अच्छा अच्छा, हाँ, ओ सॉरी. वो क्या है कि मेरा मैसेज पैक खत्म हो गया, तो मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई. लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज आप सभी को इत्तला करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम दोनों की शादी हो गई है. हाँ, मैं इनकी बीबी हूँ. अब बीबी नहीं होता, बीवी होता है. हाँ, लेकिन मैं बीबी हूँ. आई एम बम्पर बंसल. ये बीवी नहीं है मेरी. एक केला दो इधर मुझे भी. हेलो, शादी हो गई. एक केला दो. हाँ हाँ, लीजिए ना, लीजिए. शादी हो गई है हमारी. ठीक है, सिंपल. मैं बंदर हूँ, ऐसे फेंकते केला. मेरी कोई शादी नहीं हुई इसके बाद. नहीं नहीं, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप में मेरा बहुत इंटरेस्ट है. मुझे जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मैंने डिसाइड कर लिया दैट ही इज द वन. ओ एक्चुअली ही इज द वन, द वन, द वन, द वन.
कैसे मैंने बना दिया ना ऐसा वर्ड का ऐसा मिक्स करके, मैं ऐसे प्लान नहीं करती हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे आ जाते हैं और मैं वर्ड प्ले कर लेती हूँ। ये भी तो ईव टीजिंग ही हुआ ना ये जो कर रही है मेरे साथ अभी। बहुत ज्यादा मुक्के मारो पेट पे। नहीं मैम तोड़ो इसके केले, साइड पे मारो उसको, जरा केले पिचक जाएंगे, ऐसे मत कीजिए। देखिए ना इतना वर्ड प्ले करती हूँ फिर भी मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। बेवकूफ, वर्ड प्ले करने से नहीं ग्राउंड में प्ले करने से कम होता है। वर्ड प्ले करने से वजन कैसे कम हो जाएगा तुम्हारा? एक्चुअली ये भी करेक्ट है, पर एनीवे जो भी है मैं बन चुकी हूँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया। बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये है? नहीं नहीं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया हम है। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप तो आलिया भट्ट है। हाँ मैंने देखा है आपको टीवी में, फिल्म में, मैंने कितनी, अरे मैंने आप डियर जिंदगी में देखा आपको, और उसमें मैंने देखा कि जिंदगी की बहुत सारी बातें हो रही थी उस फिल्म में, लेकिन पूरी पिक्चर में हिरन कहीं था ही नहीं। Where is the deer? बेवकूफ, deer मतलब प्रिय है, प्यारा, 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 deer बद्री। ओह अच्छा, like that। मैं बचपन से ये सोचा करती थी कि लोग ऐसे ना बार बार लेटर क्यों लिखते रहते हैं, my dear friend। कभी किसी हाथी को लेटर लिख दो my elephant friend, नहीं खाली deer को लिखते हैं। वैसे मैंने इनको अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन बेबी आप क्या कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए था ना। पर बेबी मुझे खुद अभी पता चला है मुझे। अरे मैंने वो आपको सगाई पे रिंग दी थी, आपने बताया? सगाई काय का रिंग मेरे पास, मेरे कुछ नहीं, नहीं मैंने आपको रिंग दी थी फोन पे। I gave you a ring. रिंग हाँ, और आपने फोन नहीं उठाया था, फिर हमारी बात हुई थी। तुमने हमें बेवकूफ समझा क्या? अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो बात कैसे हुई? हाँ। बेड पे लेटे हुए थे। अच्छा। फोन पड़ा हुआ था, उठाया कॉल को एक्सेप्ट किया और इसे लाउड स्पीकर पे लगाया, हमारी बात हो गई। फोन पे बात करने के लिए फोन को ऐसे उठाना नहीं पड़ता है। ओके सॉरी, भड़क क्यों रही है? गॉड, सोनी साहब ये किस आदमी को शो दे दिया है आपने? मोबाइल के जमाने में आदमी कहाँ पेजर की बातें करता रहता है, मैं तो तंग आ गई हूँ। ओ गॉड, अभी देखना थोड़ी देर बाद ये करेगी। हमारी बकायदा प्रॉपर शादी हुई है, हमारे साथ फेरे लिए हैं हमने। कौन सी दुकान से लिए हैं? ये कोई लहंगे की बात कर रहे हैं हम? कौन सी दुकान से लिए हैं? फेरे लिए, ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, गोल गोल घूमना पड़ता है, ऐसी शादी होती है गोल गोल घूम के। अच्छा तो तू ऑलरेडी इतनी गोल है, तू मत घूमना, चक्कर आएंगे तो गिर जाएगी, तेरा कुछ जाएगा नहीं, हमारा फ्लोर टूटेगा। देखिए अगर चक्कर आएगा ना तो मैं रख लूंगी, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। एक मिनट, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है, फोन आया मुझे। ओ गॉड, ससुर जी का फोन है, डेविड जी का फोन आ रहा है। जी ने किधर फोन किया? लास्ट टाइम हम लोग मिले तो उठाए नहीं। हेलो हेलो, हाँ ससुर जी प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए। नहीं नहीं बताइए ना, नाश्ते में क्या बना दूँ आपके लिए? ओके, एक अंडा नंबर वन, थोड़ा जूस नंबर वन, थोड़ा पोहा नंबर वन। हाँ हाँ तैयार हो जाएगा। ओ गॉड, इतनी नंबर वन की बातें कर दी। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द लेडीज रूम हियर? इस शो में ओरिजिनल लेडीज होंगी तो लेडीज रूम बनवाऊंगा ना मैं। इस बात को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली हमारी जो शादी हुई ना उसके अंदर सारी की सारी रस्में हो गई थी। शादी नहीं हुई, नहीं हुई थी, मान लो। अच्छा, शादी में हमारी सारी रस्में हो गई लेकिन एक रस्म बाकी रह गई थी, उसके लिए मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाया। उस रस्म के लिए मैं फैमिली को बुला लूँ अंदर? बुला लो, अभी आए तो बुला। पापा मम्मी फैमिली आ जाओ। Yahoo! 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 एक मिनट, ये नहीं नहीं, मेरी फैमिली तो साउथ से थी, पिछली बार साउथ इंडियन आए थे, अभी पंजाबी फैमिली कैसे आ गई? अब्बा, हाँ तो ये साउथ पंजाब के ही है, पंजाब का साउथ है ना। पर बम्पर तू कहीं से भी पंजाबन नहीं लग रही मेरे को। अच्छा तो पंजाबन लगने के लिए काम करती हूँ मैं ना, ऐसे मक्के की रोटी सर पे रख लेती हूँ, साग वाग अपने शरीर पे ऐसे मल लेती हूँ, फिर मैं लगूंगी पंजाबन। पॉइंट 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 पॉइंट। तो हमारी एक रस्म रह गई थी ना बाकी, वो थे वो जूता चुराई होती है ना जैसे शादी में, वो वाली रस्म कहाँ हुई थी? पर कौन ले जूता चुराते, सालियां चुराती है तो तेरे भाई आए। हाँ तो भाई को बहन बनाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे चलता है स्टेज पे ये सब होता रहता है। कोई बात नहीं, ये अभी तैयार हो जाएगा। हरमिंदर ये ले भाई, हरमिंदर ये ओ दिल का मैं टिकट लो, बहन बन गई है। ओके शी इज रेडी। कपिल ये पूछ आप तो पुलिसमैन के बेटे हो ना, ये कैसे आपके शो पे ऐसे हो रहा है? ये बड़ा कौन सा पूछ के करते हैं अपने हिसाब से ये। अच्छा
केला एक और खिलाओ। आप बड़े भूखे हैं। भूख लग रही है तो क्या करें, मेहनत करते हैं हम लोग, चलते शो में खाना थोड़ी ना खाने जाएंगे। ये मुझसे बिना पूछे काम कर दे, जेल भी मैंने बिना पूछे चली गई। मुझे बताया था मैं जाने नहीं देता तुम्हें। अच्छा बताया तो था। रोटी खाने की इतनी भूख, जेल लगा खाना खाने के लिए। जूता चुराई की रस्म हम शुरू करते हैं। बेटा वो कैसे कैसे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऐसे झुक के आते हैं। पाजी क्या, क्या हो रहा है पाजी? ये तुम्हारी बहन का घोड़ी आ रही है। ये रस्म मैंने कभी नहीं देखा है। कोई रस्म नहीं है। देखिए चुराने आए बेटा, ऐसे ना एकदम बहुत चला के आपको बोलेगा कि चिड़िया देखो वहाँ पे, आप वहाँ पे देख लोगे। देखो देखो कोई चिड़िया नहीं है। बेटा क्या कर रहा है? क्या तू ठीक है? नहीं देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हुआ? कब है इसको क्यों करा रहे हो बेचारे को? कब ऐसे क्या? अच्छा क्यों करा रहे हैं से? कोई मालूम। आपका नाम क्या है? सिमर। सिमर आपको बोला था जूता लेने के लिए? और क्या देगे आपको जूते के? केले दो। केले आपको लेके जाना है जूता दिल से? हाँ दो। ले ले यार। मिल गया जूता। नहीं 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 नहीं, अरे रस्म नहीं नहीं नहीं, इसको अरे कौन ये कौन? नहीं 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 नहीं, अरे चोर 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 जूता चोर 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 चोर, ये दो असली में। एक मिनट रुक जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, इस एरिया में जितने चोर हो रहे ना सब मेरे। टेंशन मतलब मैं जूते के बगैर अभी किधर घूमूंगा? बड़ा गंदा ओवर एक्टर चोर था वो, ऐसे लगा के है ना पूरा। हमें पता है ड्रामा कर रहे हैं पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की? आई पैस पायरेट बन के क्यों आया था वो? समुद्री डाकू कौन बना? जूता आ जाएगा, मैं ले आऊंगी जूता वापस, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ ना एक एक और रसम। हाँ क्या है अभी डालिंग? स्टेप करना है आपके साथ। अभी तो मैच होगा। अरे पर जूता भी निकाल दिया आपने। पहले जूता लाओ फिर ठीक है। मैं जूते के बिना, चलो जूते के बिना। चोर आ जाओ भाई, ओवर एक्टर की दुकान आ जा। ये किसने लगाया था तुम्हारे इधर? पीछे वाले ना, पीछे वाले की ज्यादा मत सुना कर। चलो जाओ। चलिए सारे केले डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं यहाँ पर, तो चलती हूँ। थैंक यू। ओके ब्रो बाय, सी या। वरुण यस सर, ये बात सही है कि आपका घर का नाम निकनेम पप्पू है? अरे ये मतलब बचपन में मुझे मेरे माय डैड वुड कॉल मी पप्पू। बिलीव नहीं कर, पप्पू कैन डांस बट वो आलिया के लिए ताली बजा दो जो बोला उन्होंने। बट वो कभी यू नो 10th स्टैंडर्ड में जब मैं पास हुआ था, उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि मैं पास हो गया। मेरी मॉम ने बोला वरुण के रिजल्ट, मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले, अबाउट 82-84%। तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी। पर यकीन क्यों नहीं हुआ डेविड सर को? क्यों मतलब? पता नहीं उन, देखिए उनके जो फिल्में हैं पहली वाली अगर आपने देखे हैं, आंखें जोड़ी नंबर वन, उसमें हमेशा जो मतलब बच्चे बेटे दिखाए उन्होंने, तो हमेशा वो कभी चोर होते हैं या फेक मार्कशीट लेके जाते हैं या कुछ, तो उनको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं ऐसा हूँ। और मेरे बड़े भाई को आप जानते हो, जिम में वर्कआउट करते हैं रोहित, तो रोहित हमेशा जब छोटी उम्र में मुझे बोलता रहता कि ये सब जो कैरेक्टर्स है ही इज गॉट इंस्पायर्ड बाय यू, और ये सब कैरेक्टर्स बने सब चोर और कॉनमैन, उनको लगता है कि तेरा भविष्य ऐसे होने वाला है। और खुद डेविड सर इतने लेजी हैं, वो भी मुझे मिले जिम में, मैं देखा ट्रेडमिल पे 3 की स्पीड पे यूं चल रहे, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, कहते नहीं स्लो कर। मैं कहा क्यों? कहते मेरे को पतला नहीं होना, मैं क्यूट दिखता हूँ। आप क्यूट हैं लेकिन दीज आर एक्सक्यूजेस। अब पता नहीं किसने बोला है जिसको इस तरह सीरियसली ले गए, हम लोगों को भी नहीं पता है, बहुत सीरियसली ले लिया है। क्यों ऐसे करके ट्रेडमिल पे कौन चल रहा है अभी? मैं कहा सर इससे फास्ट तो आप वैसे चल के आए थे जिम में, ट्रेडमिल में। अच्छा आलिया का निकनेम तो मुझे पता है, मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ, वैसे तुम्हारी दुनिया को कई बार बोल चुके हो। आलू। सोचो अभी कितने प्यारे नाम, अगर ऐसे ही नाम से ये फिल्म बनाते तो किधर, मैं बोलता ही नहीं कि वरुण धवन और आलिया भट्ट के लिए तालियां, पप्पू और आलू के लिए तालियां फिल्म आ रही। पप्पू और आलू। ऐसे मैं आप सबको बता दूं, कल रात आलिया 3:30 या 4 बजे सोई है क्योंकि वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो एक गाना है हम सब। अच्छा एक सेकंड, कोई बातें बातें नहीं करेंगे आज, एक काम करते हैं बद्रीनाथ की जो दुल्हनिया है
ये शादी के ऊपर है, राइट? करेक्ट। शादी के जैसे अभी रस्में आई थी, बंपर जो बात करी थी, कई रस्मों से बड़ी चिढ़ होती है। ऐसे मेरे कौन से दोस्त हैं या माताएं बहने हैं या ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जिनको ये लगता है कि शादी की ये रस्में जो हैं इनसे चिढ़ आती है, ये नहीं होनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जी सर, मुझे बहुत चिढ़ है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सर। वी ऑल केम फ्रॉम यूएसए, माय नेम इज गोपी सेठ। ओह, इंटरनेशनल फैंस। यस सर, वी स्पेशली केम फ्रॉम योर शो सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग अस। अरे सारे गोल गोल बच्चे आप ही के? यस यस, ये दोनों बच्चे मेरे हैं सर। दोनों बच्चे आपके? बड़े क्यूट है ये। थैंक यू। देखो पापा भी गए हैं। थैंक यू जी। सर मुझे शादी ब्याह से बहुत चिढ़ है सर। बहुत शादी, दो दो बच्चे लेके घूम रहे, शादी ब्याह से क्यों चिढ़ है? तो ये चिड़चिड़ाहट में हो गए सारे बच्चे। अच्छा, शादी ब्याह से चिड़ा के रस्मों से? रस्मों से और जाने में। कौन सी रस्म से? सर बेसिकली क्या होता है यूएस में आरएसवीपी में, एक तो बच्चे का नाम नहीं होता। हाँ। तो पहला प्रॉब्लम तो सर बेबी सिटिंग का हो जाता है। हाँ। राइट। और दूसरा प्रॉब्लम सर क्या होता है कि कई दफा बीवी मना लेती है, और जो भी सामने वाला इनविटेशन दे रहा है उसको मना लेती है, तो बच्चे को लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं होती। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, एक का नाम लिखे दीनानाथ एंड फैमिली तो 15 लोग पहुंचे होते हैं। वहाँ तो टेबल भी लिखे हुए हैं सर, नाम टू नाम लिखा। एक बात बताओ, अभी आप यहाँ पे आ गए यूएस, वापस कब जा रहे हैं? वापिस जा रहे हैं 10 दिन के बाद। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आना बैन ही है, फिर क्या करोगे? नहीं सर, सर मैं तो वहाँ का सिटीजन हूँ सर, इसलिए मुझे तो आना नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ही नहीं, तो यहाँ रह जाएंगे। इंडिया बेटर है अमेरिका? नहीं नहीं, इंडिया इज मच बेटर, एब्सोल्युटली। इंडिया इज ग्रेट, एब्सोल्युटली। तो आपको ये जो नाम में बच्चों का नाम नहीं लिख के भेजते हैं उनसे चिढ़ है? ठीक है सर। और क्या होता है सर, कई दफा मना लेती है बीवी, तो जाता है वहाँ पर तो सर बाहर खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कई दफा ये बीवी लोग तो अंदर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, और हम लोग मैं वहाँ बाहर बेबी सिटिंग करता रहता है। ये बड़ी गलत बात है, जाए मत करो ऐसी शादी। तो इसीलिए ऐसा तो सर, क्या मिलता है शादी में जाके आपको, अपने घर पे खा पी लिया करो जो। तो वही सर, इसीलिए मैं तो हर बार यही सोचता हूँ, बोलो कि बच्चे हमारे भाई, इनको कहाँ छोड़ के आए। अच्छा, उनको बोलने। तो कपिल जी, अब साल में एक दो शादी आ गई ऐसी। ए, आपकी यूएस में शादी हुई थी कि इंडिया में हुई थी? हम लोग इंडिया हुई। इंडिया में। घोड़ी पे बैठ के गए थे आप? नहीं, घोड़ी पे नहीं बैठे। बैठना भी मत। नहीं वो चल। अच्छा फिर? तो एक साल में 2-3 शादियां आती हैं। अच्छा जी। और ये आते हैं, बच्चों को रखते हैं, तो क्या हो गया ना, राइट? हम तो पूरा ईयर बच्चों को रखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये तो जाते हैं जॉब पे। मैं एक बात बोलता हूँ, आपने बोला कि कठिनाई होती है, वो तो होती है ऑब्वियसली, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे बच्चे नहीं है, बट मैं जेन्युइनली दिल से बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, कि कोई भी पार्टी हो जिंदगी में और मुझे टाइम मिल जाए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं बच्चों को ही चूज करूंगा। मुझे मैं 100 रुपए देना चाहूंगा वरुण को शगुन के तौर पे, बहुत समझदार बच्चा है ये। सर कपिल जी, मेरी डॉटर आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपके बच्चे भी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉटर की चॉइस बड़ी अच्छी है। अब ये बेटा सर, वो आपके लिए गिफ्ट लाई है यूएस से सर। सो स्वीट, आई लव गिफ्ट। सर कम से कम, सो स्वीट, थैंक यू। भी भेज दो भाई को, भी भेज दो, उसका दिल ही नहीं है। हां नहीं, आजा आजा, बहुत क्यूट है, इतनी क्यूट है। थैंक यू, थैंक यू। पारी कर लो आपको, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? नीरी। थैंक यू सो मच नीरी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। और कोई मेरे दोस्त इस विषय पे कटाक्ष करना चाहते हो? ये पूछेगा कोई सवाल, आजा भाई, आजा भी पहलवान। मुझे शादी ब्याह जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जाने से तो हमें क्या लेना देना। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? शेयर कर रहा हूँ ना एक और चीज। हाँ हाँ। शादी ब्याह में जाने से क्रश मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम्हारा क्रश मल्टीप्लाई हो जाता है? हाँ, क्यों? बहुत बैचलर लड़कियाँ मिलती है, देखो कैसे। अब मेरी क्रश की भी सहेलियां होंगी वहाँ, ठीक है, तो उस पे भी क्रश जाएगा, उस पे भी क्रश जाएगा, उस पे भी क्रश जाएगा। एक बात बताओ मुझे, ये समस्या है जॉन इब्राहिम, एक बात तो नहीं? नहीं, जब तुम ऐसे मतलब, थैंक यू थैंक यू, आपका तो क्रश बढ़ जाता है लड़कियों पे। हाँ। लड़कियों का होता है, मिले ना मिले क्या तो शादियों में जाके आपको इसी वजह से अच्छा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं। हाँ। खाना है? भी खाना भी, खाना भी। ज्यादा कौन अच्छा लगता है, खाना की लड़कियां? खाना बंदा क्लियर है। पर इतना भी खाना मत खाना की। नहीं सर, आपकी तरह वेट लॉस कर लूंगा ना। वेरी गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए। पता कभी कभी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि तेरा पेट ऐसे है, तो कभी कभी लोग मुझे बोलते थे कि आप रूढ़ हो जाते हो। नहीं, रूढ़ होने वाली बात नहीं, कोई भी कम कर सकता है अपनी सेहत। मैं तो कहता हूँ स्वच्छ भारत हम बोलते हैं, मैं कहता हूँ फिट इंडिया। आज मैंने नया स्लोगन दिया है, क्या बात, शुक्रिया। क्या करते हो आप?
सर मैं चाइना में MBBS पढ़ रहा हूँ। चाइना में? हाँ। चाइना में वो उनकी MBBS चलेगी नहीं 4 दिन से ज्यादा। सर मैं चलाऊंगा। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चाइनीज आती है आपको? चाइनीज में इतना बोलूंगा, रेनशिनी हैन गाओशिन शिशिंग चिंग शिशिनी शिशिनी बुखाशी 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 मतलब वेलकम वेलकम। आई से शिशिनी मींस इंडियन लोगों को कौन सा चाइनीज आती होगी तो मेरा इंप्रेशन पड़ जाएगा। कपिल नोस सो मेनी लैंग्वेजेस यार। बट ये इसलिए बुलवाया क्योंकि हमारी जो फिल्म है ना वो सिंगापुर में भी शूट हुई है। अच्छा मौका नहीं छोड़ रहा अभी। वेरी गुड। तो नाम बताया नहीं, इतनी बातें हो गई। सर आदित्य भट्ट। भट्ट भट्ट यस भट्ट। अरे नहीं भैया, कोई भैया नहीं, बहुत भाई बन लिया। क्यों मैं तो अनुष्का शर्मा आती, मैं तो बहन बोलता हूँ उसको। सोनाक्षी सिन्हा को भी बोलता हूँ। सर आपकी मैं सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा को बोलता हूँ। मैं मेरी गलती कोई नहीं, आपको पता मैं शर्मा नहीं वैसे। हम कपिल पुंज और मेरी मम्मी के साइड से है। एक्चुअली हमारे जमाने ना पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती नहीं, होती होंगी, मेरे डैडी कभी नहीं आए तो मेरा नाम रखा उन्होंने कपिल, कपिल पाजी को जब वर्ल्ड कप जीत के लाए पाजी, मैंने बताया बहुत बार, तो मेरा नाम रख दिया ना कपिल। तो मैं चला गया स्कूल तो मेरे को बोलते तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहा कपिल। मास्टर भी कहता कपिल देव, मैं कहा हाँ। तो 2-3 हफ्ते ऐसा चला, फिर मेरे मामा जी छुट्टी पे आए, आर्मी में आए, छुट्टी पे आए तो वो फौजियों का एक ट्रंक होता ना संदूक लोहे का, उस पर लिखा था RL शर्मा। तो मेरी मम्मी साइड से जो है वो शर्मा है, तो मैंने उनका पढ़ लिया। तो मैं कहा हम भी यही होंगे। तो मैं अगले दिन बोला, मैं कहा सर हम मेरा नाम कपिल देव शर्मा है। फिर बाद में बोला मैं कपिल देव शर्मा नाम लिखाया, कहती नहीं नहीं बेटा कपिल देव नहीं, तेरा ऐसे थे। तो फिर मैंने देव कटवाया, फिर शर्मा मेरा पक्का ही हो गया। पापा ने कुछ नहीं कहा? आई मीन ये कोई फनी स्टोरी नहीं थी, आई एम सॉरी। सर मेरा नाम कपिल पुंज है एक्चुअली। सर जो भी अच्छा है। थैंक यू भट्ट साहब। सर आओ गुजरात। भट्ट साहब अभी वर्कआउट करना शुरू करो और अपना बट कम करो थोड़ा, ठीक है? श्योर सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। ना जो से नाचे क्यों मार के रहे थे उनको? बुरा ना मानो होली है, लठमार होली खेल रहे हैं। नंदगांव में खेलते हैं हमारे जीजा जी के यहाँ पे, आज यहाँ पे खेल रहे हैं। आओ ये देखो हमारे हैं। बहुत गर्मी है, तुम मेरे ठंडाई पियो थोड़ी लो। होली है बुरा। ऐसे कौन पिलाता है ठंडाई? इस गर्मी भी तो इसमें है इतनी ज्यादा, सारी ठंडाई से ही जाएगी। तो बुरा ना मानो होली हाय। हम क्यों बुरा मानेंगे? बुरा ना मानो होली, इतने बुरे मुंह लेके आते हैं, बुरा माने कभी? कपूर सर ये बात आपने अच्छा किया है, ऐसी शक्ल पे बनता है। हमारे शक्ल में क्या खराबी है? ये टैटू कौन बनवाता है ऐसे? तो जो गांव में बनवाया है, हम बैंकॉक गए थे वहां बनवाया था ठंडाई पी के, इसमें क्या हो गया? ताश के पत्ते बनवाए ऊपर से तुमने? हाँ तो आ जाओ ब्लाइंड खेलो मेरे साथ। नहीं लीजिए, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत चक्रमबाज हो, काहे गिफ्ट लेके आए? देखिए आपके लिए लाए हैं, ये हमारा दिल है। ये आपका दिल है? हमारे दिल में तो बहुत छेद है। हाँ ये क्या है? जिसको भी देते हैं वो तोड़ देता है। तो आप जोड़ देते हो? ना जोड़ जोड़ के ऐसा बनाए हैं। क्या करे कपिल भैया इनका दिल का, इसके मुंह पे मारो फेंक के और क्या? नहीं ऐसा मत कीजिए, भूसा भरा है। आप इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? राजन राज। आपका राज चल रहा है ऐसा तो लग नहीं चलता है मेरी राज। इसलिए दिल रखो आप इनका, ट्राई कीजिए। किसको दे दिया है? भैया है हमारे। तो भैया को दिल से प्यार नहीं कर सकते हैं का? आपका वो गाना है ना वरुण जी? कौन सा गाना? बेशर्मी की हाइट वाला। बेशर्मी की हाइट? आपको मालूम नहीं है ना बेशर्मी की हाइट कितनी है? हम बता दें कितनी? मेजर की हो आप? 5.5 फुट। आपको वेट भी बता दे, कितना वेट है तेरा? 190। 190 किलो वेट है? 190 केजी या पाउंड? केजी में है। केजी में ये तो है ना, बड़ी अजीब सी औरत है, आपको पता नहीं है? दोनों अजीब ही हो, खूबसूरती किसी में नहीं है। वैसे मैं बोलूं तो हमारे भैया के साथ पता है क्या कर रही थी? क्या किया? ये हमारे भैया के साथ किसके लिए लड़ाई कर रही थी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं? आप किसके लिए लड़ाई कर रही थी? किसके लिए लड़ाई कर रही थी भाई? तो बता रहे हैं किसके लिए लड़ाई कर रही थी। अब किसके लिए? अरे चुप चुप, एक बार में बोलते हैं समझ नहीं आता है। अरे किसके लिए? पप्पी के लिए। हम बताए पप्पी के लिए लड़ाई करती है? किसको पप्पी करना था? या हमारे भैया, उनसे शादी किया ना, भौजी है हमारी, भौजी लड़ाई करती है किसके लिए? अरे इनको बुरा लग रहा है, आप कैसे बोल दिए? हमारे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गया। हम क्या
लड़का है वरुण जी। जिंदगी बर्बाद हो गया। पहले शादी से पहले हर लड़का हो जाता था हम पे लट्टू जब देखता था हमारा टट्टू, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। शादी के बाद क्या हो गया? शादी के बाद पता नहीं, पिछली होली को तो बहुत बुरा हुआ, पता है क्या हुआ? इसके भैया को एक बूंद रंग नहीं लगा पाया अलिया जी। हम एक बूंद रंग क्या होता है? एक चुटकी रंग हुआ ना। तुम मैथमेटिक्स में घुस जाओ, बात मत सुनो। नहीं नहीं। तो क्या हुआ कि एक चुटकी, ठीक है हाँ। एक चुटकी लिया, एक चुटकी नहीं लगा पाए इनके भैया कुछ, क्योंकि क्या हो गया, पहले हम इसको लगाने के लिए पहुंच गए, सारा रंग इसी पे खप गया, बचा ही नहीं, एरिया बहुत ज्यादा था। इंसान बड़ा है तो बड़ा है। नहीं सिद्धू जी, हम आपको बताते हैं एक बात है जो दुनिया में कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कौन सी? क्या नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए। क्यों? हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है। ओहो। होली का रात था पिछले साल, हमने चाहा चलो आज होली मनाते हैं, माइंड के भैया के साथ सोए, ये बीच में आ गए, और सबसे बड़ी बात बीच में आके सोई नहीं। फिर क्या किया? चैटिंग कर रही थी। होली खेलना चाहते हो आप? ना हाँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.